नमस्कार दोस्तों, चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, प्रसार भारती द्वारा 67 ई-ऑक्शन का अनाउंसमेंट कर दिया गया है एमपीजी 2 बॉक्स के लिए। और दोस्तों, इस बार 67 ई-ऑक्शन कुछ अलग प्रकार से होगा, जैसे पिछली बार हुआ था वैसे न होकर यहाँ पे 67 ई-ऑक्शन कुछ अलग प्रकार से होगा। और यहाँ पे सभी चैनल्स को बराबर मौका दिया जा रहा है और प्रसार भारती ने यहाँ पे सभी कैटेगरी के चैनल को बकेट वाइज यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। तो दोस्तों, इन्हीं सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, सबसे खास बात कि इस बार का जो 67 ई-ऑक्शन है वो 7 राउंड में किया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि इसमें सभी चैनल्स को बराबर मौका दिया जा रहा है और सभी चैनल्स ताकि डीडी फीड्स पर लॉन्च हो सकें, चाहे वो क्षेत्रीय चैनल हों चाहे किसी अदर लैंग्वेज के चैनल हों, तो सभी को यहाँ पे बराबर मौका दिया जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों, जितने भी चैनल्स हैं, जिस भी कैटेगरी के चैनल हैं, प्रसार भारती ने उनको बकेट में डिवाइड कर रखा है और बकेट के अनुसार ही ये चैनल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहला बकेट प्रसार भारती ने बनाया है, बकेट A+ बनाया है, जिसमें सभी हिंदी GC चैनल पार्टिसिपेट करेंगे। जितने भी हिंदी धारावाहिक के चैनल हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद बकेट ए बनाया गया है, जिसमें हिंदी मूवी के चैनल हो गया और टेलीशॉपिंग चैनल्स ऑल लैंग्वेज के, ये पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद दोस्तों, बकेट बी है। बकेट बी में हिंदी म्यूजिक के चैनल हो गए, हिंदी स्पोर्ट के चैनल हो गए, ऑल चैनल्स ऑफ भोजपुरी लैंग्वेज, भोजपुरी लैंग्वेज के चैनल भी बकेट बी में ही पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद दोस्तों है बकेट सी। बकेट सी में न्यूज एंड करंट अफेयर्स हिंदी चैनल्स पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद दोस्तों, प्रसार भारती ने बकेट डी बनाया है। बकेट डी में ऑल अदर रिमेनिंग जनरल ऑफ हिंदी चैनल हो गए, उसके बाद डिविजनल चैनल हो गए, उसके बाद ऑल जनरल ऑफ मराठी पंजाबी एंड उर्दू चैनल हो गया, न्यूज एंड करंट अफेयर्स इंग्लिश के चैनल हो गए। तो इस टाइप के, इस कैटेगरी के जितने भी चैनल हैं वो बकेट डी में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे बकेट R1 भी बनाया गया है। दिस बकेट इज फॉर ऑल चैनल्स इन लैंग्वेज नॉट कवर्ड अबाउ, मतलब कि बाकी के जितने भी बकेट हैं उनमें से जिस भी लैंग्वेज का चैनल अगर कवर नहीं हुआ है, जैसे कि दोस्तों मान लीजिए जो भी लैंग्वेज के चैनल पर बताया गया है कि मराठी हो गया, पंजाबी हो गया, उर्दू हो गया, इसके सिवाय भी इंडिया में बहुत से ऐसे लैंग्वेज हैं जो बोले जाते हैं, तो उन लैंग्वेज के चैनल भी अगर डीडी फीड्स पर लॉन्च होना चाहते हैं तो वो बकेट R1 में पार्टिसिपेट करेंगे। बकेट R1 में उनको स्थान दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों, प्रसार भारती ने इन सभी चैनल्स के जो बकेट बनाए हैं, बकेट के अनुसार ही रिजर्व प्राइस भी रखा है। यहाँ पे दोस्तों, अगर हम बात करें बकेट A+ के लिए, तो इसका जो स्टार्टिंग कीमत है वो है 15 करोड़ रुपए। इसके बाद दोस्तों, बकेट ए के लिए है 12 करोड़ रुपए, बकेट बी के लिए है 10 करोड़ रुपए, बकेट सी के लिए है 7 करोड़ रुपए, बकेट डी के लिए है 6 करोड़ रुपए, और दोस्तों बकेट R1 के लिए 3 करोड़ रुपए प्रसार भारती ने स्टार्टिंग रिजर्व प्राइस रखा है। तो इस प्रकार दोस्तों, प्रसार भारती ने इस बार जो 67 ई-ऑक्शन में सभी लैंग्वेज के चैनल को मौका दिया है। जो भी चैनल यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहता है वो आसानी से कर सकता है, और जिस भी लैंग्वेज का है, जिस भी कैटेगरी का है, वो उसी बकेट के अनुसार ही पार्टिसिपेट करेगा और बोली लगाएगा। प्रसार भारती ने बोली भी बता दिया है कि किस कैटेगरी में, किस बकेट में कितना बोली रखा गया है प्रसार भारती द्वारा, तो उतना बोली लगा के कोई भी चैनल डीडी फीड्स पर लॉन्च हो सकता है। और दोस्तों, इस बार का जो 67 ई-ऑक्शन है वो हर बार से बिल्कुल अलग होने वाला है और यहाँ पे 7 राउंड में ई-ऑक्शन किया जाएगा और हर राउंड में हर चैनल्स को बराबर मौका दिया जाएगा। इसके बाद जो चैनल यहाँ पे स्लॉट जीतेगा वो यहाँ डीडी फीड्स पर 1 अप्रैल 2023 को ऐड होगा। तो इस प्रकार दोस्तों, प्रसार भारती द्वारा 67 ई-ऑक्शन में सभी कैटेगरी के चैनल को मौका दिया जा रहा है, सभी लैंग्वेज के चैनल को मौका दिया जा रहा है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं 89 स्लॉट बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज के चैनल हैं उनको भी मौका दिया जा रहा है। वो भी चैनल अगर डीडी फीड्स पर लॉन्च होना चाहते हैं तो लॉन्च हो सकते हैं। और दोस्तों, इस बार के ई-ऑक्शन में बाकी बार से ज़्यादा चैनल आपको देखने को मिलेंगे, ज्यादा यहां पे नए नए चैनल्स भी लॉन्च किए जाएंगे। सो दोस्तों, अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।